हाय देयर, दिस इज साहिल विजडम हियर आवर मन के मोर नवा वीडियो में जोहार करत हो। तो अभी मैं आ गया हूँ नेत्रहाट के आवासीय विद्यालय में, जो कि नेत्रहाट का एक लौता सबसे हाई फाई सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए पूरे झारखंड से लोग आते हैं। ये स्कूल काफ़ी पॉपुलर है, बड़े बड़े घरों के लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। यहाँ की शिक्षा पद्धति सब कुछ अच्छा है। आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं स्कूल कैसा है। थैंक यू भैया। तो आप कब से यहाँ पे हैं? तकरीबन मेरा 7 साल हो गया। स्कूल कब से? स्कूल 54 से है। अभी मैं आ गया हूँ नेत्रहाट के आवासीय विद्यालय के अंदर में। काफ़ी बढ़िया यार, मतलब कहते हैं ना कि लाइक अब कितने पैसे दे करके लाइक जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत ही प्रीमियम वाइब है यहाँ का। जितनी अच्छी गार्डनिंग की हुई है, जितनी अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पे हैं। डेफिनेटली ये पुराना है। जो बड़े बड़े वीआईपी लोग होते हैं उनके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। नेत्रहाट का इकलौता एक बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक और छोटा है संत जेवियर स्कूल है यहाँ पे। राजू भैया बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इन्होंने ही एंट्री दिलवाई। बहुत सारे जगह है जो ये कवर करवा रहे हैं अभी और साथ में घूम रहे हैं। थैंक यू राजू भैया, वेलकम। नेत्रहाट स्कूल को काफ़ी पहले बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू का भी, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनका भी हाथ रहा है। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही अपने साथियों के साथ उस समय के जो भी राज्यपाल वगैरह थे उन सब के साथ मिलकर इसका निर्माण करवाया है। क्योंकि 50-60 साल पहले तो झारखंड भी बिहार हुआ करता था, तो ये नेत्रहाट का जो एरिया है वो भी बिहार में फॉल करता था। तो लाइक बिहार से ही तो झारखंड अलग हुआ है ना, तो अभी ये झारखंड के क्षेत्र में आ गया। टेक्सचर से तो आपको लगेगा कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, लेकिन इसे हमारी सरकार ने बनाया और काफ़ी बढ़िया बनाया। मतलब इतनी ऊंचे पहाड़ के ऊपर में इतना बड़ा स्कूल, ये देख के ही दिल को सुकून देता है। और लाइक यहाँ पे बहुत दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। यहाँ पे CBSE पैटर्न में पढ़ाई होती है और ये स्कूल 10+2 है। यहाँ पर 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ स्कूल का कैंपस है, जबकि यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इनके लिए हॉस्टल अलग से है, उनका प्लेग्राउंड अलग है, रहने खाने का हर चीज़ का व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत टफ होता है, सीटें बहुत कम रहती है। 2004-06 की, मतलब लगभग 16-17 साल पहले की बात है। इन्होंने भी यहाँ पर एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, आपको एंट्रेंस वगैरह पास जाते हैं, तो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है और यहाँ से पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। तो दोस्त अभी निकल रहा हूँ नेत्रहाट स्कूल से, आगे और भी चीज़ें कवर करनी है। बने रहिए चैनल के साथ, अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।